हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महाभृंगराज तेल के बारे में बात करेंगे, जैसे इसका यूज किस तरीके से किया जाता है और इसका यूज कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है और महाभृंगराज तेल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिले सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में हम वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले महाभृंगराज तेल के बारे में बात करेंगे। महाभृंगराज तेल एक पूरी तरीके से आयुर्वेदिक तेल होता है जो कि हमारी बालों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। इसका यूज मेल और फीमेल दोनों लोग कर सकते हैं। महाभृंगराज तेल को प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है और हमारे बालों को लगभग सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अब बात करते हैं महाभृंगराज तेल में क्या क्या पड़ा होता है जिससे मिलकर यह तेल बना होता है। इस तेल में भृंगराज, मजिष्ठा, दारुहरिद्रा, रजनी और भी कई सारे आयुर्वेदिक ऑर्गन्स पड़े होते हैं जिससे मिलकर महाभृंगराज तेल बना होता है। अब बात करते हैं महाभृंगराज तेल का यूज करने से कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। महाभृंगराज तेल का रेगुलर यूज करने से यह आपके बालों को सफ़ेद होने की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से बचा लेता है और आपके बालों को गिरने से भी रोक देता है। अगर आपके बालों में रूसी की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा सूखे बाल होते हैं या बालों के टूटने की प्रॉब्लम है तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप वैद्यनाथ के महाभृंगराज तेल का यूज कर सकते हैं और बालों को काला, घना और सुंदर करने के लिए भी आप इस तेल का यूज कर सकते हैं। महाभृंगराज तेल का यूज करने से बाल काफ़ी ज़्यादा घने हो जाते हैं और काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। भृंगराज तेल का यूज करने से दो मुँहे बाल होने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। बालों से जुड़ी अगर कोई भी और भी समस्या है तो उसे भी दूर करने के लिए महाभृंगराज तेल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं महाभृंगराज तेल का यूज किस तरीके से करना होता है। महाभृंगराज तेल का यूज आप नॉर्मल तेल की तरह कर सकते हैं। इसे आप अपने हाथ पर लेकर और दूसरे हाथ की उंगलियों से बालों की जड़ों में हल्के हाथ से मसाज करें। कुछ दिन इसका यूज करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और आपके बालों को सुंदर और चमकदार बना देगा। अब बात करते हैं महाभृंगराज तेल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो यह एक पूरी तरीके से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसे बिना किसी डर के यूज कर सकते हैं, आपको इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। महाभृंगराज तेल आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका छोटा पैक 50 ml में आता है और इसका बड़ा पैक 100 ml में और 200 ml में भी मिल जाएगा। इसे आप बहुत ही आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर मेडिसिन से संबंधित कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।